नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों आज हम ड्राई फ्रूट का गर्मा गर्म दूध की रेसिपी लाई हूँ। ये दोस्तों सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये हमारे शरीर को तरोताज़ा रखती है और बॉडी को गर्म भी रखती है। तो इसमें हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको गर्म गर्म ही पीने में जो मज़ा आता है ना, वो ठंडे दूध में बिल्कुल भी नहीं आता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बादाम पिस्ता दूध। ये दोस्तों दूध बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम लोग घर में बनाना पसंद नहीं करते या टाइम नहीं होता है, तो आज हम इसकी रेसिपी आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये दोस्तों मैंने 5 बादाम लिए हैं क्योंकि मैंने 2 गिलास दूध ही बनाना है। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, ये मैंने पिस्ता लिया है और 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको मैं पानी में घोल लूँगी। और 1 किलो मैंने दूध लिया है, ये हमारा गाय का दूध है। आपके पास जो भी दूध है आप उससे बना सकते हैं। तो आधा दूध हम डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं। ये दोस्तों मैं चीनी बताना भूल गई थी, ये मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपनी मिठास के हिसाब से ले सकते हैं। और कस्टर्ड पाउडर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। और जो ये मैंने घोल लिया है, अब जो ड्राई फ्रूट लिए थे इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए दूध हमारा खौलने लगा है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर बना के रखा था इसको हम मिलाएंगे। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एकदम नहीं मिलाएंगे। और मिलाते टाइम बराबर इसको चलाते जाएंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो इसमें गिल्टी बन जाएंगी। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हम धीमा रखेंगे। चलाना इसको बराबर है, रुकना नहीं है। अब दोस्तों हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इनका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं। अब साथ में ही इसमें हम डालेंगे चीनी और सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसको मीडियम गैस पर कम से कम 10 मिनट तक इसको खौलाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और दूध हमारा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है क्योंकि मैंने इसमें केसर नहीं डाली है, इस वजह से मैंने फूड कलर डाला है। और इसको भी अच्छे से एक बार मिक्स होने देते हैं। देखिए दूध हमारा कंप्लीट तैयार है। अब हम इसको चलते हैं सर्व करने। तो दोस्तों मैंने इस तरह के कुल्लड़ लिए हैं, मैं इसको इसमें सर्व करूंगी। ये देखिए दूध हमने सर्व कर दिया है। अब गार्निश के लिए हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता और काजू डाल देते हैं। और दोस्तों ये दूध बनाने की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।